أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The topic of my today's presentation is 5 M's of management. Management के 5 M's क्या है जिससे एक management successful रहती है और किसी भी organization या company की जो management होती है वो 5 चीज़ों पे depends कर रही है. वो क्या है कि men है, material है, machines है, methods है और money. तो आज की जो lecture है मैं एक एक को डिफाइन करूंगा और आपको समझ आ जाएगी कि मैनेजमेंट के जो 5 असूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट पे जो है ना ज़्यादा डिपेंड कर रही. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड के 5 M's कौन कौन से हैं और ये कहाँ पे काम आते हैं. अब पहले जो ना हम आपको मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि मैनेजमेंट क्या है और 5 M's क्या है. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड लैंग्वेज डिक्शनरीज ए मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद आर कंट्रोलिंग थिंग्स आर पीपल. मैनेजमेंट का काम क्या क्या है कि डीलिंग विद थिंग्स आर पीपल या प्रोसेस विद थिंग्स एंड पीपल. मैनेजमेंट लोगों से काम कैसे करवाते हैं और चीज़ें कैसे इसमें इस्तेमाल में लाई जाती है. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन विच मैनेजमेंट इज अ वाइटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. किसी भी कंपनी की प्रोडक्शन का इन्हिसार जो है ना ये 5 चीज़ों पे होती है. वो क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है और उसमें जो मैनेजमेंट का रोल है प्रोडक्शन में वो इंतहाई जो है ना वो कारामद होती है. व्हाट इज 5 M's ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 5 M's क्या है. देयर आर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें क्या होती है 5 M's, वो है मनी, मैन पावर, मटीरियल्स, मशीनरीज एंड मेथड्स. और इन सब को क्या कहते हैं 5 M's ऑफ मैनेजमेंट. दीज आर नोन एज द 5 M's ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ देयर इनिशियल्स विच इज M. ये सारी चीज़ें जो है ना 5 M's से शुरू होती है. और 5 M's क्या है, जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया कि इसमें 5 M में पहली चीज़ क्या है, एनालिसिस ऑफ 5 M's इन मैनेजमेंट. अब मैंने इसको एनालाइज किया हुआ. मनी क्या है, पहला जो इसका एम है वो है मनी. मनी इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड ऑल पर्पज रिसोर्स बिकॉज इट इज यूज टू एक्वायर आर हायर अदर रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन. मनी इज एम्प्लॉयड टू जनरेट मोर मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट आर सरप्लस. अ बिजनेस फर्म आर एंटरप्राइज रिक्वायर्स मनी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मनी क्रूशल रोल अदा करता है. अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो इसमें आपको ना लैंड की भी ज़रूरत होती है और आपको मनी की भी ज़रूरत होती है, आपको लेबर की भी ज़रूरत होती है और आपने इस मनी को बरकरार लाना है. मनी को अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट वाला है यानी कमाई का है तो इसके लिए फिर मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि मनी मेक्स द मनी. कि मनी से जो ना जितना आप उस पर लगाएंगे उतने ज़्यादा कमाएंगे. फिर जो सेकंड M's मैनेजमेंट का वो है मैन पावर. मैन पावर रेफर्स टू दी मैनेजीरियल एंड नॉन मैनेजीरियल पर्सनल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अदर रिसोर्सेज कैन नॉट एक्ट बाय देमसेल्व्स एंड हैव टू बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्सेज मोबालाइज एलोकेट एंड यूटिलाइज द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई मैनेजमेंट होती है तो उनका काम किसके साथ होता है, मैन पावर. मैन पावर क्या होते हैं, वो मैनेजीरियल भी होते हैं, नॉन मैनेजीरियल और लेबर भी आ जाती है. जितने ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं किसी भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में या किसी भी कंपनी में तो वो मैन पावर से चलती है. अगर मैन पावर आपकी स्ट्रांग हो तो आपकी आउटपुट भी ज़्यादा होती है. फिर नंबर 3 जो एम्स है आप मैनेजमेंट का वो है मटीरियल्स. मटीरियल रिप्रेजेंट द फिजिकल रॉ मटीरियल्स एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और से क्या कहते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स विच आर कन्वर्टेड एंड आर असेंबल्ड इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ सर्टन प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मटीरियल ना हो, मिसाल के तौर पर आप आम ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपकी मटीरियल की ज़रूरत पड़ सकती है. वो स्टेशनरी भी हो सकती है, उन मतलब आप ऐसी ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. मिसाल के तौर पर आपका क्लॉथ का कारखाना है, कपड़े बनाने का,
तो उसके लिए तार की जरूरत होती है और मशीनरी की भी जरूरत होती है। जो चौथी एस्पेक्ट है वो है मशीनरी। मशीनरी मशीन्स आर द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोसेस द मटेरियल इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मॉडर्न मशीनरी हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। टेक्नोलॉजी हैज देयरफॉर बिकम एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स इंग्रेडिएंट इन द इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, आपकी जो है ना वो इंडस्ट्री में मशीनरी ना हो, तो मशीनरी के बगैर कोई भी मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। मशीनरी क्या होती है? मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी अस्पताल हॉस्पिटल में काम कर रहे, आपके पास एक्स रे मशीन की जरूरत होनी चाहिए, और वो मशीनरी अगर आपके पास ना हो, आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर्स का होना जरूरी है, तो मशीनरी के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजमेंट नहीं चल सकती। और इसका क्या, इसका कॉस्ट पे भी असर आ जाता है। जितनी आपके पास मशीनरी ज्यादा होती है, उसके आप इसके बदले में आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है वो भी कम हो सकती है, और क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी आपकी ज्यादा आती है। अगर आप कोई काम मशीन से कर सकते हैं तो उसमें आपकी आउटपुट ज्यादा होगी। जो 5 M's है मैनेजमेंट का वो है मेथड्स। मेथड रेफर्स टू द नॉर्मल एंड प्रिस्क्राइब वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वेरियस ऑपरेशंस आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। मेथड्स क्या है? आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है, लेट सपोज आप किसी ऐसे कारखाने में काम कर रहे हैं जिसके तरीक़ाकार वजह तरीक़ाकार होते हैं, अगर आपको वो तरीक़ाकार पता नहीं होती तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में चल नहीं सकते। यूज ऑफ राइट मेथड हेल्प्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड कंट्रीब्यूट्स टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपकी इफेक्टिव मैनेजमेंट, आपने कंट्रीब्यूट करना है अपने ऑपरेशंस को, तो आपके लिए इफिशिएंसी के लिए प्रोसीजर होते हैं सेंट्रल, और वो सेंट्रल प्रोसीजर के तहत आप अपनी मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। नतीजतन इन नटशेल, मैनेजमेंट मस्ट एस्टेब्लिश इनपुट गोल्स, प्रोसेस गोल्स एंड आउटपुट गोल्स। मैनेजमेंट का काम क्या करना है? काम बताना है, काम करवाना है और आउटपुट लेना है विद रिगार्ड टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑल द 5 M's। अगर आपके पास 5 M's है तो आपकी मैनेजमेंट कामयाब है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।